नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले 10 फरवरी 2022 की ग्रह स्थिति देखते हैं। राहु और चंद्रमा ग्रहण योग बना करके वृषभ राशि में बैठे हैं, केतु वृश्चिक राशि में, मंगल और शुक्र धनु राशि में, सूर्य बुध शनि मकर राशि में और गुरु कुंभ राशि में बैठे हैं। बिल्कुल 9 तारीख की तरह ही ग्रहों की स्थिति है। चंद्रमा का नक्षत्र केवल चेंज हुआ है अन्य ग्रहों के साथ। राशिफल देखते हैं। मेष राशि, जुआ सट्टा लॉटरी में पैसे ना लगाए, आर्थिक हानि का संकेत दिख रहा है। कोई भी पूंजी का निवेश अभी ना करें और गंदी भाषा के प्रयोग से बचें। स्वास्थ्य नरम गरम बना रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी रहेगी, आय भाव अच्छा रहेगा। काली वस्तु का दान करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि का जो साथ संगत होगा वो थोड़ा इस समय नकारात्मक दिख रहा है। कोई भी नई संधि ना करें। स्वास्थ्य नरम गरम बना रहेगा। प्रेम और व्यापार का पूरा पूरा साथ मिलेगा। संतान पक्ष की स्थिति पहले से सुधर चुकी है और प्रेम अच्छी स्थिति में चल रहा है। लाल वस्तु का दान करें। मिथुन राशि, काल्पनिक भय परेशान करेगा। चीजों को बढ़ा चढ़ा करके सोचेंगे और नकारात्मक सोचेंगे, जिससे मन अप्रसन्न रहेगा। सरदर्द और नेत्र पीड़ा परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य मध्यम है। प्रेम का पूरा साथ मिलेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से सही समय यह कहा जाएगा। हरी वस्तु पास रखें। कर्क राशि, किसी भी नए सदस्य के जीवन में आने की स्थिति अभी नहीं है। बहुत हिसाब से चलिए। मन अप्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है। प्रेम में तूतू मैमे की स्थिति है। कुल मिलाकर के ये थोड़ा खराब समय रहेगा। आय की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, लेकिन आय के मार्ग का समीक्षा जरूर करें। काली वस्तु का दान करें, अच्छा होगा। सिंह राशि, कोर्ट कचहरी से बचे, पुलिस फौजदारी से बचे। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपके भी सीने में विकार संभव है। कोई नई व्यापार अभी शुरू ना करें। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम अच्छा चल रहा है, बट व्यापार मध्यम है। काली वस्तु का दान करें। कन्या राशि, यात्रा में कष्ट संभव है। सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पे ना लगाएं। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम और व्यापार का साथ है। हरी वस्तु पास रखें। तुला राशि, बहुत बच के पार करें। परिस्थितियां प्रतिकूल है। अच्छी स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही। किसी भी तरह की कोई रिस्क ना ले। स्वास्थ्य मध्यम है। प्रेम व्यापार फिर भी ठीक रहेगा। शनिदेव को प्रणाम कर देते हैं। वृश्चिक राशि, नए व्यापार की शुरुआत ना करें और व्यापार के झगड़ों को बहुत आसानी से बहुत साफ सुथरे तरीके से निपटें। जीवन साथी के साथ थोड़ा तूतू मैमे या किसी परेशानी में उनके स्वास्थ्य को लेकर के रहेंगे। स्वास्थ्य आपका भी मध्यम है, व्यापार मध्यम है, प्रेम और संतान ठीक ठाक रहेगा। काली वस्तु का दान करें। धनुराशि, डिस्टर्बेंस बना रहेगा। विरोधी परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन कर नहीं पाएंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा। स्वास्थ्य नरम गरम, प्रेम और व्यापार सही चलता रहेगा। काली वस्तु का दान करें। मकर राशि, भावनाओं में बह के कोई निर्णय मत लीजिएगा। बच्चों के सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तुतु मय में संभव है। व्यापार आपका सही चलता रहे। काली जी को प्रणाम करते हैं। कुंभ राशि, घरेलू चीजों को बहुत शांत होकर निपटाएं। नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा घर में। भूम भवन वाहन की खरीदारी रोक दें। मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपके भी सीने में विकार संभव है। प्रेम और संतान सही चलता रहेगा। गणेश जी को प्रणाम करते रहे। मीन राशि, अपनों के साथ की वजह से चलता रहेगा काम आपका, लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा कार्य क्षेत्र में। नाक कान गला की परेशानी हो सकती है। प्रेम की स्थिति, संतान की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं। काली वस्तु का दान करें। नमस्कार।